अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ग्राहक जागरण विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ किया गया। ग्राहक जागरण विमर्श विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और ग्राहकों के हित के लिए बनाए गए संरक्षण कानून पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने ग्राहकों के हित और भारतीय खाद्य सुरक्षा स्टैंडर्ड की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह ने किया। ग्राहक जागरण विमर्श कार्यक्रम में ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्त, महानगर इकाई के अध्यक्ष पवन कुमार पांडे, संयोजक विजयनाथ पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह, संगठन मंत्री डॉक्टर ओमकार नाथ तिवारी एवं महाविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने कहा। Yeah.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये ग्राहकों के संरक्षण के लिए काम करती है और इसलिए ग्राहकों को संरक्षण के लिए जागरण करना, उनका उनको जगाना और उन्हें बताना कि भाई उनके लिए क्या अधिकार उनको मिले हुए हैं, वो बताने से उनके हितों का संरक्षण अपने आप होने लग जाएगा। ये हमारा मुख्य काम हम लोग कर रहे हैं अभी। हाँ, हमारे बहुत सारे विषय हैं, मुख्य रूप से तो मिलावट का विषय है ही, क्योंकि वो तो जीवन से खिलवाड़ हो जाता है लोगों के, और मिलावट तो इस सीमा तक पहुंच जाती है कि नकली चीज़ें भी आजकल बन के आने लगी, जैसे दूध ही नकली बनने लग गया है। तो ये तो एक मुख्य विषय हमारा है ही, और उसके साथ में नापतोल है। आजकल साइबर अपराध जो हो रहे हैं और लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, वो है। ऐसे कई विषय हैं कि जिसको लेकर हम लोग अभी ज़्यादा अधिक पैमाने पर विषय उठा रहे हैं अभी।